इस वक्त असी मौजूद हाँ हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के महाराणा प्रताप सागर झील के बिल्कुल आप कह सकते कि बिचों बिच ये बाथू की लड़ी नाम तो एक प्राचीन मंदिर है वो है और दस दिए कि इस मंदिर का इतिहास दसिया जाता है कि द्वापर युग दे विच जदों महाभारत दे काल दे विच पांडव अपना ज्ञातवास कट्टन वास्ते इस जगह पहुँचे सी ते उन्हां वल्लों ही इस मंदिर का निर्माण किया गया सीगा। दस दिए कि ये मंदिर साल दे 8 महीने पानी दे बिल्कुल आप कह सकते कि विच डुब्या रहिंदा इस झील दे विच डुब्या रहिंदा और सिर्फ साल दे 4 महीने ही इस मंदिर दे दर्शन किए जा सकते हैं। उत्थे ही दस दिए कि इस मंदिर विच बाथू का टैंपल आप कह सकते कि सर ना इस करके पिया क्योंकि जिहड़ा पत्थर इस मंदिर नूं बनाउण वास्ते पांडवां ने इस्तेमाल किया सीगा उसनूं बाथू कहा जाता उस करके इस मंदिर का नाम जिहड़ा आ बाथू की लड़ी पिया होया। साढ़े नाल इस वक्त पिंड के जिहड़े वसनीक है इस इलाके के वो मौजूद ने उन्होंने गलबात कर लें। सर तुहाडा नाम की है? मेरा नाम जी बिट्टू है। बिट्टू जी इस मंदिर का इतिहास जिहड़ा सानूं संक्षेप च दसो। इस मंदिर का इतिहास है जे पांडव द्वारा निर्मित है जे ठाकुर द्वारा है और जे मंदिर जो है जहाँ पर अज्ञातवास में कुछ समय के लिए पांडव रुके थे और जो मैं सामने खड़ा हूँ जो बनी थी स्वर्ग के लिए पौड़ियाँ तो पौड़ियाँ हमने सुना है कि ये 2.5 पौड़ियाँ रह गई थी इसका काम अधूरा रह गया था तो एक ही रात में तैयार करनी थी तो कोई हमारी जो तेल पड़ाने वाली तेल न होती है उसने कहा कि सुबह नहीं हो रही है और उसी वक्त सुबह हो गई और उसका कार्य हो गया रुक गया। अच्छा बिट्टू जी दसो कि इतने जो मंदिर छोटे छोटे बने हैं किस कि मंदिर है और मुख्य मंदिर कि मुख्य मंदिर तो जो मेन मंदिर ही है ये इसको हमने बुजुर्गों से सुना हुआ है अपने से ये एक ठाकुर द्वारा था भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर था और ये बाकी मंदिर थे जो सामने वाले फ्रंट वाले हैं इनके नहीं बारे में हमने देखा नहीं है कुछ इनके बारे में और जो मेन गेट है इसका वो सामने वाला क्योंकि हमने देखा है जैसे हम अयोध्या जाते भी गए हैं वहाँ देखा है तो जो हम श्री भगवान श्री राम जी का मंदिर है तो उसके भगवान विष्णु का मंदिर में गए हैं तो जो दो पाश होते हैं वो भगवान विष्णु जी के मंदिर में होते हैं यह और विजय वो आज भी एक स्थित है और दूसरा गिर गया नीचे। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर मंदिर? जहाँ पर तो लोग तो मेरे को लगता है बाहर से भी आते हैं जैसे हिमाचल के त्यौहार हैं पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा यूपी वैसे इंग्लैंड के भी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के भी आ रहे हैं। हिमाचल सरकार वालों किसके संरक्षण के कुछ किया जा रहा है उपराला? मैं नहीं कुछ ने उपराला नहीं किया है सर। मैं तो आपके एक चैनल से माध्यम से एक ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो हमारी हिमाचल सरकार है इसके बारे में कोई देख रेख नहीं करती है। हज़ारों से श्रद्धालु आते हैं जहाँ पर सैकड़ों से आते हैं हज़ारों से आते हैं और एक भी सुविधा नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा ऐसी नहीं है कि जहाँ टॉयलेट नहीं है लेडीज़ के वास्ते के लिए बिल्कुल परेशानी है और प्रशासन को ये भी चाहिए कि लाखों की चढ़त हो रही है जहाँ पर तो इसके लिए कोई टैंक लगाए पानी के लिए कोई गरीब आता है कोई अमीर आता है सबके पास पैसा थोड़ी होता है इसके लिए कोई प्रतिबंध लगाए और मंदिर की सफाई का विशेष ध्यान रखें जहाँ पर कचरा कुचरा फेंके हैं अपने कारोबार लगाएं। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एक लंबी मीनार है ये जर्जर हो चुकी है कुछ समय से इसको 5000 साल पुरानी है कहीं कुछ वक्त भी किसी प्रशासन भी इसके बारे में सोचे कोई ऐसी दुर्घटना घटे जैसे कि हमारे इस इलाके में कोई। इस वक्त जो तुसी मेरे पीछे देख रहे हो मीनार जिहड़ी इमारत लभ रही है इसनूं स्वर्ग दी सीढ़ी कहा जाता और दस्या गया सीगा कि पांडवों वल्लों भगवान कृष्ण ने उन्हां नूं कहा सीगा कि तुहानूं एक रात विच इस पौड़ी का निर्माण करना है ये पौड़ी जिहड़ी सीधा स्वर्ग नूं जा रही सी पर किसी कारणवश जिहड़ा आ इस पौड़ी का काम अधूरा रह गया सीगा और सिर्फ 2.5 पौड़ी आपां कह सकदे कि 2.5 पौड़ी ही दा काम जिहड़ा अधूरा रह गया सी उस करके पौड़ी जिहड़ी है नहीं बन सकी। उत्थे ही इस जो बाथू टैंपल दे लागे छागे इलाके दे वसनीक ने उन्हां दा कहना है कि हिमाचल सरकार वल्लों इस इतिहासिक मंदिर दी सांभ संभाल लई कोई भी उपराला नहीं किया जा रहा है और उन्होंने ये भी मांग की है कि जिस तरह लोग इत्थे आउंदे ने दर्शन करन वास्ते क्योंकि जदों जिदा लोगों को पता लगा इस बाथू लड़ी दे टैंपल दे बारे लोग देश विदेश तो भी आना शुरू हो गए पर हिमाचल सरकार वल्लों कोई भी उपराला इस पुरातन इतिहासिक मंदिर नूं संभाल वास्ते नहीं किया जा रहा है इस करके स्थानीय लोगों ने मांग की है कि हिमाचल सरकार नूं इसकी देखभाल लई सांभ संभाल लई उपराला करना चाहिए ताकि लोग जिहड़े इत्थे आ रहे हैं उन्हां नूं भी इस मंदिर का इतिहास जिहड़ा आ वो पता लग सके। कैमरामैन विनय दे नाल विजय सलारिया न्यूज़ 18 पंजाब।